दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से इंडिया में लॉन्च किए गए एक नए स्मार्टफोन के बारे में। Xiaomi ने इंडिया में कल अपना Redmi 9 सीरीज का नया स्मार्टफोन Redmi 9 Power लॉन्च कर दिया है। स्पेसिफिकेशंस फोन के काफी अच्छे हैं, प्राइस पॉइंट काफी तगड़ा रखा गया है। भाई पर्सनली मेरे को फोन काफी पसंद आया, तो मैंने सोचा भाई एक दिन बाद ही सही आपसे इस फोन के बारे में अपने ओपिनियन शेयर कर लिए जाए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसी फोन से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च किया गया है और क्या ये फोन लेने लायक है या नहीं है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट अपन रखते हैं 300 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई वीडियो को, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक बात तो आपको माननी पड़ेगी भाई कि जब जब हम ये सोचते हैं कि भाई अब Redmi 10 सीरीज के फोन हमको देखने को मिलेंगे, Redmi 9 सीरीज में एक नया फोन हमको देखने को मिल जाता है। और Redmi 9 सीरीज अभी तक की सबसे लंबी सीरीज है भाई मेरे हिसाब से। Redmi 9 Pro Max से आप स्टार्ट कर लो, Redmi 9 i तक बहुत सारे फोन आपको इस सीरीज में देखने को मिलते हैं और एक और फोन इस सीरीज में जुड़ गया है। खैर फोन इस सीरीज के सारे काफी अच्छे हैं भाई, अलग अलग प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी देते हैं। इस फोन के बारे में बात करते हैं, बातचीत को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह बिल्ड एंड डिजाइन से बिल्ड क्वालिटी, यहां पर आपको प्लास्टिक मिलती है, प्लास्टिक का बैक दिया गया है, प्लास्टिक की फ्रेम मिलती है, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है आपको। बैक में आपको टेक्सचर फिनिश मिलता है, एंटी फिंगरप्रिंट बैक दिया गया है जहां पर आपके फिंगरप्रिंट के निशान नहीं पड़ने वाले हैं। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको ठीक ठाक मिल जाती है। डिजाइन की अगर बात करते भाई 3-4 कलर में फोन मिलता है आपको, ब्लैक कलर में मिलता है, ब्लू कलर में मिलता है, ग्रीन कलर में मिलता है और एक रेड कलर में मिलता है। कलर ऑप्शंस आपको भर भर के मिलते हैं यहाँ पर। पैटर्न की अगर बात करते हैं, बैक पैनल की बात करें तो टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप में आपको कैमरा सेटअप मिलता है जहां पर 4 कैमरास की हाउसिंग है, फ्लैश लगाया गया है। उसी के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर आपको Redmi की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को पसंद ना आए, ऐसा भी हो सकता है भाई। इतने बड़े बड़े अक्षरों में ब्रांडिंग दी जाती है, ये नया ट्रेंड जरूर है, लेकिन भाई 50-50 रिएक्शन रहते हैं इसके लिए। बात करते हैं फ्रंट में, तो यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, हल्की सी चिन देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एवरेज मिलती है। डिजाइन मेरे हिसाब से फोन का अच्छा लगता है, और केवल वो जो ब्रांडिंग है, जो बड़ी सी ब्रांडिंग दी गई है, वो थोड़ी सी छोटी होती तो और ज्यादा बेटर लगता, लेकिन हो सकता है आपको पसंद आए, तो डिजाइन से भी ज्यादा शिकायत आपको नहीं होने वाली है। डिस्प्ले की अगर बात करते भाई, Xiaomi की एक खासियत मेरे को ये अच्छी लगती है कि यहां पर बड़े बड़े शब्दों में बात नहीं करता है Xiaomi। 90Hz 90Hz की बात नहीं होती है भाई यहां पर। डिस्प्ले जो दिया गया है 6.53 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है, IPS LCD पैनल यहां पर आपको मिलता है, 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, कोई 90Hz नहीं, कोई हायर रिफ्रेश रेट नहीं, लेकिन यहां पर आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन दिया गया है, ये ज्यादा अच्छी बात है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपको क्या लगता है, HD प्लस विद 90Hz या फुल HD प्लस विद 60Hz, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। लेकिन मेरे हिसाब से फुल HD प्लस विद 60Hz IPS LCD पैनल भाई काम कर जाता है। यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को पर्सनली काफी पसंद आई है। 19.5:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, 395 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलती है, 400 nits के आसपास आपको ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी फोन के अंदर अच्छी दी गई है। आगे चलते भाई, बात कर लेते हैं पहले कैमरास की। 4 कैमरा का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जिससे 120 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू पर आप कैप्चर कर सकते हैं इमेजेस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, और 4K वीडियो आप इस फोन से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps तक पर। और बात करेंगे सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा मेरे को थोड़ा सा कम लगा, लेकिन ठीक ठाक सेल्फी कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको मिलता है, और सेल्फी कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। कैमरा सेटअप इस फोन का अच्छा दिया गया है। अब मैंने आज कैमरा की बात पहले कर ली, परफॉर्मेंस की बात मैं आपसे बाद में करने वाला हूं, उसके पीछे एक रीजन है जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस के लिए यहां पर मिलता है Qualcomm Snapdragon 662 चिपसेट। 662 चिपसेट अपने आप में एक अच्छा चिपसेट है भाई, चिपसेट खराब नहीं है, परफॉर्मेंस खराब नहीं देता है, डिपेंड करता है कि उसके साथ में कंपोनेंट्स क्या लगाए गए हैं। अब बात करते हैं पहले चिपसेट के बारे में, तो 11 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है और 2.0 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है, क्रायो 260 वाले कोर्स मिलते हैं, 260 मतलब A73 और A53 का कॉम्बिनेशन होता है, आर्म कॉर्टेक्स A73 A53। जीपीयू की बात करते हैं, एड्रेनो 610 जीपीयू मिलता है, जो कि ठीक ठाक लेवल की गेमिंग आपको करा देता है, बहुत ज्यादा खराब एक्सपीरियंस आपका नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं रहने वाला है, लेकिन एक एवरेज गेमिंग यहां पर आप कर पाओगे, डे टू डे की परफॉर्मेंस एवरेज निकाल देता है फोन। साथ ही
में LPDDR4X RAM मिलती है और फोन के दो वेरिएंट आते हैं, जो 64GB वाला वेरिएंट है जिसमें 64GB स्टोरेज मिलता है, वहां पर आपको UFS 2.1 वाला स्टोरेज मिलता है, 128GB के साथ में आपको UFS 2.2 वाला स्टोरेज टाइप मिलता है। परफॉर्मेंस के मामले में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। अब बात यहां आ गई कि भाई पहले मैंने कैमरा की बात करी आज और फिर परफॉर्मेंस की बात करी, तो उसके पीछे एक रीजन है। जैसा मैंने आपको बताया कि स्नैपड्रैगन 662 खराब चिपसेट नहीं है, डिपेंड करता है कि कंपोनेंट्स क्या लगाए गए हैं। Realme 7i मैंने यूज किया स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट के साथ में, वहां पर मैंने जब परफॉर्मेंस को चेक किया तो भाई परफॉर्मेंस तो सही निकलती है, लेकिन कंपोनेंट्स 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले वहां पर दिया गया है जो कि 662 चिपसेट बहुत अच्छे से नहीं संभाल पाता है। साथ ही में 64 मेगापिक्सल का कैमरा वहां पर दिया गया है जो भी 662 चिपसेट नहीं संभाल पाता है। लेकिन इस फोन के साथ में आपको ना तो हायर रिफ्रेश रेट दिया गया है, ना ही आपको 64 मेगापिक्सल दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा 662 इजीली संभाल लेगा, कैमरा आउटपुट यहां पर आपको अच्छे मिल जाएंगे, साथ ही में डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। तो ये चीज डिपेंड करती है, इस चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए कि जो चिपसेट लगाया गया है उसके साथ में जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं वो भाई तालमेल उनका बैठेगा या नहीं बैठेगा। जैसे Realme 7i फेल हुआ है वो इसी कारण से हुआ है भाई, 662 90 हर्ट्ज डिस्प्ले को नहीं संभाल पाता है, साथ ही साथ 64 मेगापिक्सल कैमरा को भी नहीं संभाल पाता है। लेकिन इस फोन के साथ में 662 प्रोसेसर आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। आगे चलते भाई बात करते हैं बैटरी के बारे में। फोन के नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, Redmi 9 Power, Power मतलब बैटरी पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया होगा। 6000mAh का बैटरा इस फोन के अंदर लगाया गया है, काफी बड़ी साइज की बैटरी दी गई है। इतनी बड़ी बैटरी होने के साथ ही में फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, लेकिन 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है। लेकिन चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि 18 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है और 10 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया है, ना ऐसा नहीं है, 22.5 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। ये स्ट्रेटेजी रेडमी की क्या स्ट्रेटेजी है आई डोंट नो, हो सकता है चार्जर बल्क में बना के पटक रखे हो रेडमी ने और वही इसके अंदर डाल के दिए जा रहे हो, क्योंकि हमने देखा भाई रेडमी नोट 9 जो है वो भी 18 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है लेकिन बॉक्स में आपको 22.5 वॉट मिलता है। सेम यहां पर भी है, 18 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है लेकिन बॉक्स में आपको 22.5 वॉट का चार्जर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm का खड्डा, 3.5mm जैक इस फोन के अंदर मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको मिल जाते हैं। IR ब्लास्टर इस फोन के साथ में मिलता है जो कि काफी हैंडी लगता है मेरे को भाई, रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करने के लिए अपने फोन को इमरजेंसी सिचुएशन में, वाकई में वो चीज काफी काम आती है। उसी के अलावा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज इस फोन के साथ में मिलती है, यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है। इस प्राइस पॉइंट पर आने वाले फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स बहुत कम मिलते हैं भाई, इस फोन के साथ में आपको स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट मिलता है। सॉफ्टवेयर एंड की बात करते हैं, एंड्रॉइड 10 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 का सपोर्ट मिलता है। MIUI 12 UI जो है पर्सनली मेरे को उतना पसंद नहीं आता है, एड्स इसके अंदर आपको काफी ज्यादा मिलते हैं और साथ ही में थोड़ा सा क्लटरी भी लगता है भाई, उतना क्लीन एक्सपीरियंस आपका नहीं रहेगा। ब्लोटवेयर्स भी आपको मिलते हैं, हालांकि कोई बैंड एप्स वगैरह आपको नहीं मिलेगी लेकिन ब्लोटवेयर्स आपको फोन के अंदर मिलेंगे, साथ ही साथ एड्स की समस्या आपको आ सकती है। लेकिन अगर आप MIUI 12 के फैन हो तो भाई इस फोन की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते बात करते हैं डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट यहां पर आपको मिलता है, मतलब दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आप अपने फोन के अंदर लगा सकते हो। वेरिएंट्स की बात करते हैं, दो वेरिएंट में फोन लॉन्च हुआ है, 4GB प्लस 64GB और 4GB प्लस 128GB। दोनों के प्राइस काफी आउटस्टैंडिंग प्राइस रखे गए हैं भाई, 4GB प्लस 64GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको मिलता है मात्र 10,999 रुपए में और 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 11,999 रुपए में। दोनों का प्राइस काफी अच्छा रखा गया भाई और Realme 7i हो गया या Moto G9 Power हो गया उनसे काफी बेटर ऑप्शन लगता है मेरे को। तो अगर आप वो फोन्स लेने की सोच रहे तो उनको छोड़ दो भाई, Redmi 9 Power को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। मेरे हिसाब से काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन यहां पर दिए गए हैं और आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई आपकी क्या राय है फोन के बारे में, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको क्या लगता है लेने लायक फोन है या नहीं है और कैसा प्राइस पॉइंट इसका रखा गया है, क्या आप इसके प्राइस पॉइंट से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, कमेंट करके मेरे को अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।